गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम? माई। माई। या। इस कैट का नाम है जी मोले। ये अपने रूम में आराम कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की ज़ात आपको हंसता मुस्कराता रखे, आमीन। मैं आज आपको दिखाता हूँ मलेशिया में बने कैट होटल्स। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम? माई। माई। या। मैं मौजूद हूँ इस वक्त एक कैट होटल में। एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ आज आपको कि जिस तरह हमारे यहाँ होटल होते हैं लाखों इंसानों के रहने के, यहाँ पे मलेशिया में सभा में जो है होटल हैं वो बिलियों के भी होटल हैं। यहाँ पे जिस तरह लोग जाते हैं यहाँ पे वोकेशन पे या किसी दूसरी स्टेट में या किसी दूसरे मुल्क में, तो वो अपनी बिल्डियों को यहाँ पे इस कैट होटल में छोड़ के जाते हैं। वो एक हफ्ते के लिए हो, दो हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि हर घर में आपको दो तीन चार बिल्डियाँ जो ना लाजम मिलेंगी। तो मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड है बिल्डियाँ घर में पालना। फिर ज़ाहिर है यहाँ पे लोग ट्रैवलिंग करते हैं, दूसरी स्टेट्स में जाते हैं, तो उनको जो ना अपनी बिल्डियाँ साथ ले जाना मुश्किल होता है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जगह जगह पे कैट होटल मिलेंगे। तो अभी मैं आपको एक जो ना कैट होटल दिखाता हूँ। कैट होटल में यहाँ पे मुख्य बिल्डियाँ और उनका क्या प्रोसेस है, क्या इनका जो ना रेंट है। ये जी मैं कैट होटल में पहुँच चुका हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये जी मुख्तलिफ बिल्डियाँ जो यहाँ पे छोड़ी गई हैं, बहुत ही खूबसूरत और शानदार तरीके से बनाया गया ये बिल्डियों का होटल। ये रूम्स बने हुए हैं मुख्तलिफ, ये फीडिंग एरिया। इस कैट का नाम है जी मोले। ये अपने रूम में आराम कर रही है। ये भी अपने मालिक के इंतज़ार में है। दी सतुहारी ब्रापा सेवा? ये जी जो एक दिन का जो ना 12 रिंगिट रेंट है, और अगर एक दिन और एक रात यहाँ पे अगर कैट रखेंगे तो फिर उसका 24 रिंगिट बन जाता है। और उसके साथ इनका खाने पीने का इंतज़ाम, इनको नहलाने का इंतज़ाम। ये कोई अजीब नस्ल की बिल्ली है। ये स्टाफ यहाँ पे इनकी जो है ना देखभाल के लिए। ये जी बिल्लियों के बड़े खूबसूरत खूबसूरत लिबास यहाँ पे आपको मिलेंगे, स्प्रे, उनकी खुराक। खुशकिस्मत बिल्लियाँ हैं हमारे यहाँ तो, अगर बिल्ली घर में घुस जाए तो पूरा घर पीछे लग जाता है उसको भगाने के लिए। और गांव में तो बेचारी बिल्लियाँ जो है ना पूरी रात उनको कुत्ते और गीदड़ी भगाते रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कहता हूँ उनके वारे नहीं आ रहे हैं यहाँ में। ये यहाँ पे इनको नहलाने धुलाने का काम किया जाता है। ये जो है पूरे रेट्स वगैरह यहाँ पे तरह के वीआईपी रूम्स हैं, इनका जो रेंट है वो डिफरेंट है। एक फैमिली जो अभी अपनी बिल्लियाँ वापस लेके जा रहे हैं, इनकी 3 बिल्लियाँ यहाँ पे एक हफ्ते से भी। ये जो स्टोर देख रहे हैं आप होटल के साथ, ये जितनी भी खुराक रखी हुई है इस स्टोर में, ये सिर्फ और सिर्फ बिल्लियों की खुराक है। अब यहाँ से होती है जी वापसी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।